नमस्कार, मैं हूँ स्वाति रायना और स्वागत है आप सभी का दिन भर के पावर पैक बुलेटिन में, जिसका नाम है बुलेट बुलेटिन। और इस आधे घंटे के बुलेटिन में आपसे छूटेगी कोई नहीं खबर। सबसे पहले देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में हम आपको दिखाएंगे। शुरुआत कर लेते हैं कोरोना और राजनीति की टॉप 10 खबरों के साथ पॉलिटिक्स टॉप 10 में। भारत चीन के बीच एलएसी पर जारी तनाव के बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सीमा पर लगातार मुंह की खाने के बाद चीन अब जासूसी पर उतर आया है। चीन ने भारत के प्रधानमंत्री समेत 10,000 से ज्यादा व्यक्ति और संगठनों की जासूसी की है। चीन की तरफ से जिनकी जासूसी की जा रही है उसमें देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीडीएस बिपिन रावत, चीफ जस्टिस और उद्योगपति समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। चीन की एक आईटी कंपनी भारत में इस जासूसी को अंजाम दे रही है। जासूसी के इस काम में जुटी जेंजुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करती है। जासूसी करने वाली कंपनी जेंजुआ सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी, दोस्तों के बारे में जानकारी, पारिवारिक संबंधों की जानकारी, सोशल मीडिया पर पोस्ट, कमेंट्स, लाइक्स के विश्लेषण करके जानकारी जुटाती है। जेंजुआ डेटा कंपनी खुलेआम कहती है कि वो चीनी खुफिया एजेंसी के साथ काम करती है। उसकी पब्लिक वेबसाइट पिछले हफ्ते ही बंद हुई है। चीनी कंपनी काफी बड़े पैमाने पर यह काम कर रही है। जेंजुआ अकेले 30 लाख यूजर्स पर नजर रखती है। जेंजुआ कंपनी केवल ये एक कंपनी ही 30 लाख हस्तियों पर नजर रखती है। 500 करोड़ न्यूज और सोशल मीडिया इनपुट्स के माध्यम से। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना के जवान सीमा पर डटे हैं और उनके पीछे पूरा देश खड़ा है। कोरोना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के साथ कर्तव्य भी जरूरी है। सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। पीएम ने कहा कि इस सत्र में कई जरूरी मुद्दों पर फैसले होंगे। साथ ही उन्होंने कहा सदन में जितनी चर्चा होगी देश को उतना ही फायदा होगा। पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। ये बहुत ही मजबूत संदेश भी ये सदन देगा। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है उनके विषय में सूचित किया गया है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। जनता दल यूनाइटेड के नेता हरिवंश सिंह फिर से राज्यसभा के उपसभापति चुन लिए गए हैं। हरिवंश को एनडीए का साथ मिला और वो आसानी से जीत गए। वो दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुन लिए गए हैं। उन्होंने विपक्ष की ओर से आरजेडी उम्मीदवार और सांसद मनोज झा को हराया। देश के 24 सांसदों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी, प्रवेश वर्मा कर्नाटक से बीजेपी के ही सांसद, अनंत कुमार हेगड़े शामिल हैं। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले इन सांसदों का कोरोना टेस्ट कराया गया था। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। कोरोना संक्रमण की वजह से संसद में बेहद एहतियात बरती जा रही है। संसद की कार्यवाही में सिर्फ वही सांसद हिस्सा ले रहे हैं जिनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 2021 के शुरुआत में कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद जताई है। कोरोना महामारी पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन संसद में बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि आज देश में पर्याप्त मात्रा में कोरोना किट, दवाइयां समेत दूसरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने देशवासियों से सावधानी बरतने की अपील की। The government agencies along with the vaccine manufacturers are working tirelessly on developing vaccines following highest standards of science and ethics. Agar
आपको सरकार, वैज्ञानिकों और वैक्सीन की डेवलपमेंट से जुड़े हुई सारी वैज्ञानिक प्रक्रिया पर कहीं पर भी भरोसे में कमी है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर उस भरोसे को और मजबूत करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन को, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सबसे पहली वैक्सीन लगवानी होगी तो मैं सबसे पहले लगवाऊंगा। भारत में कोरोना का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 92,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। इसी के साथ देश में संक्रमितों की संख्या 48 लाख के पार पहुंच गई है। अब तक 79,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में भले ही सबसे ज्यादा मामले हों, लेकिन एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है। देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। देश में एक्टिव करीब 10 लाख मामले हो गए हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब तक 37,80,000 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। अनलॉक 4 के तहत दिल्ली में मेट्रो सर्विस शुरू करने के बाद आज से जिम और योग सेंटर भी खोल दिए गए हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। साथ ही साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति भी 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इसे लेकर सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी की हैं, जिसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई का ख्याल रखना होगा। जिम की मशीनों को बार बार सैनिटाइज भी करना होगा। साथ ही आदेश में कहा गया है कि कोई संक्रमित मिला तो तत्काल सेंटर बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली हिंसा मामले में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उमर खालिद को पूछताछ के लिए तलब किया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उमर खालिद पर दिल्ली पुलिस ने 6 मार्च 2020 को एक FIR दर्ज की थी। इसमें भी खालिद पर संगीन इल्जाम है। इसमें लोगों को जमा करना, दंगे भड़काना, दंगों की पूर्व नियोजित साजिश रचना, भड़काऊ भाषण देना, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के दौरान लोगों को सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उकसाना शामिल है। मुंबई से मनाली रवाना होने से पहले कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार पर फिर तंज कसा है। कंगना ने कविता के रूप में एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर हुए अत्याचार पर बात रखी है। उन्होंने अपने ट्वीट में साफ किया है कि एक महिला से इस तरह का व्यवहार कर शिवसेना अपनी ही छवि खराब कर रही है। इसके अलावा कंगना रनौत ने यह भी लिखा कि वो भारी मन से मुंबई छोड़ रही हैं। उन्होंने लिखा कि जिस तरह से उन्हें लगातार हमलों से आतंकित किया गया, गालियां दी गई, ऑफिस के बाद घर को तोड़ने की कोशिश की गई, उससे साफ है कि POK वाली मेरी बात सही थी। और हफ्ते के पहले दिन बाजार मुनाफा वसूली के शिकार हो गए। ऊपरी स्तरों से निफ्टी 130 अंक लुढ़ककर बंद हुआ। सेंसेक्स भी करीब 100 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी बैंक 1.5% से ज्यादा टूटा। सरकारी बैंक, फार्मा, FMCG गिरकर बंद हुए। आखिर में निफ्टी 24 अंक गिरकर और सेंसेक्स 98 अंक गिरकर बंद हुए। उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करने के बाद अंतिम घंटे में ऐसी बिकवाली हावी हुई कि प्रमुख इंडेक्स हरे से लाल निशान में आ गए। दरअसल कल से बाजार में मार्जिन के नए नियम व्यावहारिक रूप से लागू हो रहे हैं। नियम का पालन नहीं करने पर जुर्माना देना होगा। रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की इकोनॉमी में 9% की गिरावट का अनुमान लगाया है। इससे पहले S&P ने अर्थव्यवस्था में 5% की गिरावट का अनुमान लगाया था। S&P के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से प्राइवेट सेक्टर में आर्थिक गतिविधियां रफ्तार नहीं पकड़ पाई हैं। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि इस महामारी की वजह से भारत में निजी खर्च और निवेश लंबे समय तक निचले स्तर पर रहेगा। रेटिंग एजेंसी का यह भी कहना है कि लॉकडाउन में छूट के बावजूद लोग घर से निकलने से परहेज कर रहे हैं। सरकार ने आज लोकसभा में बैंकिंग रेगुलेशन संशोधन बिल को पेश कर दिया। इसके पास होने से कोऑपरेटिव बैंकों की बेहतर तरीके से निगरानी हो सकेगी। सरकार का कहना है कि डिपॉजिटर्स की हितों की रक्षा के लिए ये बिल लाया गया है। हालांकि विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया। विपक्ष का कहना है कि इससे राज्यों के अधिकारों का हनन होगा। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसमें राज्यों के किसी भी कानून को टच नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे कोऑपरेटिव बैंकों को भी
वही नियम मान्य होंगे जो दूसरे बैंकों पर लागू होते हैं। कार्लाइल ग्रुप रिलायंस रिटेल में हिस्सा खरीद सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी कंपनी कार्लाइल रिलायंस रिटेल में करीब $2 बिलियन यानी 15,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है। पिछले हफ्ते ही सिल्वर लेक ने 7,500 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्लाइल ग्रुप का रिटेल क्षेत्र में यह पहला निवेश हो सकता है। भारतीय रिटेल सेक्टर में $2 बिलियन का निवेश इस सेक्टर का सबसे बड़ा निवेश साबित होगा। अमेरिकी कंपनी भारत में ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल कंपनियों में निवेश की योजना पर काम कर रही है। आपने अगर कोरोना रक्षक और कोरोना कवच पॉलिसी ली है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। कोरोना की बीमारी से राहत मिलने के बाद भी आप इस पॉलिसी को सामान्य इंश्योरेंस पॉलिसी में बदल पाएंगे। कोरोना पॉलिसी के जरिए जुड़े लोगों को इंश्योरेंस से जुड़े रखने का मकसद से ये सुविधा पॉलिसी होल्डर्स को दी जाएगी। IRDAI जल्द इसका ऐलान करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक अगर पॉलिसी होल्डर ने इस पॉलिसी से कोई क्लेम नहीं लिया है तो उसे बोनस भी मिलेगा। दरअसल कोरोना काल में बहुत से लोगों ने पहली बार हेल्थ पॉलिसी खरीदी थी। अब इंश्योरेंस रेगुलेटर ऐसे लोगों को पॉलिसी से जोड़ रखने के लिए ये योजना ला रहा है। खाद्य और मैन्युफैक्चर्ड उत्पादों की कीमत बढ़ाने के कारण अगस्त में थोक महंगाई की दर बढ़ी है। इससे पहले लगातार 4 महीने से थोक महंगाई की दर 0 से नीचे चल रही थी, अब बढ़कर 0.16% हो गई है। अप्रैल में थोक मूल्य सूचकांक -1.7% थी। कोरोना काल में गोल्ड ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लोगों को खूब रास आ रहा है। लगातार 5वें महीने गोल्ड ETF में निवेश बढ़ा है। अगस्त में कुल 908 करोड़ रुपए का निवेश आया है। इस साल अब तक 5,356 करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है। इससे पहले जुलाई में 921 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। कोरोना महामारी के कारण निवेशकों ने गोल्ड ETF में निवेश बढ़ा दिया है। अशोक लेलैंड ने अपना नया लाइट कमर्शियल व्हीकल बड़ा दोस्त लॉन्च कर दिया है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी और इसका एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। इसमें लेफ्ट एंड राइट हैंड विकल्प दिया गया है। ये गाड़ी डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक विकल्प में मिलेगी। इसमें AC और USB पोर्ट जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं जो आम तौर पर कारों में मिलती हैं। बड़ा दोस्त का इंजन BS6 नियमों के तहत बनाया गया है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अब एलेक्सा की आवाज बनकर आम जनता से जुड़ेंगे। अमेजॉन ने अपनी इस नई योजना के लिए अमिताभ बच्चन से पार्टनरशिप की है। अमेजॉन की वॉइस असिस्टेंट सर्विस एलेक्सा के लिए पहली बार कोई भारतीय सेलिब्रिटी अपनी आवाज देता नजर आएगा। इसका नाम रखा गया है बच्चन एलेक्सा। बच्चन एलेक्सा आपको चुटकुले, मौसम का हाल, सलाह, शायरी और कविताएं सुनाते नजर आएंगे। इस सर्विस को 2021 में शुरू किया जाएगा। चीनी कंपनी टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को जल्द नया साझेदार मिल सकता है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक टिकटॉक को क्लाउड कंपनी ओरेकल खरीद सकती है। टिकटॉक ने माइक्रोसॉफ्ट के ऑफर को खारिज कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाइटडांस ने टिकटॉक को चलाने के लिए ओरेकल को बतौर टेक्निकल पार्टनर चुना है। हालांकि इस साझेदारी के तहत ओरेकल को टिकटॉक की हिस्सेदारी मिलने को लेकर संशय बना हुआ है। वित्त मंत्रालय ने संसद को आज बताया कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी सहित 38 लोग पिछले 5 सालों से देश से भाग गए हैं। इन सभी के खिलाफ वित्तीय अनियमितता के मामले दर्ज किए गए हैं जिसकी जांच CBI कर रही है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन लोगों को भारत लाने की पूरी कोशिश की जा रही है।
दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान रिठाला से आम आदमी पार्टी विधायक महेंद्र गोयल ने अचानक स्पीकर को इस्तीफे की पेशकश कर दी है। महेंद्र गोयल ने सदन को बताया कि उनके खिलाफ मास्क नहीं लगाने की वजह से FIR दर्ज हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी गलती है तो वो सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, नहीं तो SHO को निलंबित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि उनके इलाके में नशे का कारोबार चल रहा था और उसको रोकने के लिए वो मौके पर गए थे। विधायक ने अपनी सफाई में एक CCTV वीडियो भी फेसबुक पर पोस्ट किया है। बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों का जल्द ऐलान हो सकता है। आज निर्वाचन आयोग की 2 सदस्यीय टीम बिहार दौरे पर है। ये टीम चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रही है। टीम में उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार शामिल हैं। टीम 4 जिलों मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर और बोधगया में बैठक करेगी। आज मुजफ्फरपुर और पटना में बैठक हुई, साथ ही तैयारियों की समीक्षा हुई। आपको बता दें, नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कोरोना की मार झेल रहे महाराष्ट्र में बढ़े बिजली के बिल के मुद्दे पर राहत मिलती नहीं दिख रही है। राज्य सरकार के वित्त मंत्रालय ने इस पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर सरकार लोगों को बढ़े बिजली बिल के मुद्दे पर राहत देती है तो राज्य सरकार के खजाने पर करीब 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मौजूदा हालात को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने इस बोझ को उठाने से साफ इनकार कर दिया है। अब अंतिम फैसला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेना है। राज्य सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए यूनिट के हिसाब से बढ़े बिजली बिल का 25-50% वहन करने का वादा किया था। टमाटर की कीमतों में तेज उछाल आ गया है। दिल्ली, लखनऊ सहित कई शहरों में टमाटर के भाव 80 से 85 रुपए तक पहुंच चुके हैं। प्याज और आलू की कीमतों में भी तेजी आई है। खुदरा बाजार में आलू और प्याज के भाव 40 रुपए तक पहुंच चुके हैं। जून के बाद से ही टमाटर की कीमतों में तेजी का रुख बरकरार है। पिछले कुछ हफ्तों में टमाटर का भाव 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम था, अब ये 80 से 85 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। कारोबारियों के मुताबिक प्रमुख राज्यों से टमाटर की कम आवक की खबरों के बीच इस हफ्ते अचानक से रेट बढ़ गए। दिग्गज ओडिया अभिनेता अजीत दास का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व छात्र दास ने 60 से अधिक उड़िया फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने कई प्ले भी प्रोड्यूस किए थे। अजीत दास का जन्म 1949 में मयूरभंज जिले में हुआ था। उन्होंने 1976 में फिल्म सिंदूरा बिंदु से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उनके निधन पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप सारंगी समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया।